हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरे किचन में आपका स्वागत है। मैं सोफिया। आज हम बनाएंगे पाइनएप्पल आइसक्रीम, जिसके लिए मैंने केन्ड पाइनएप्पल लिया है और इसके मैंने 4 स्लाइस लिए हैं। 1.5 कप मैंने इसमें क्रीम ली है, व्हिप्ड क्रीम है और ये चिल्ड है। 1/2 कप इसमें हम शुगर पाउडर लेंगे। 5 से 6 ड्रॉप हम इसमें पाइनएप्पल एसेंस डालेंगे और 5 से 6 ड्रॉप इसमें हम येलो फूड कलर डालेंगे। बाकी थोड़ा सा ज़रूरत के हिसाब से डाल देंगे इसमें। तो सबसे पहले हम इसको पाइनएप्पल को मिक्सी में ग्राइंड करके और इसको छान लेंगे, इसका जूस निकाल लेंगे। पाइनएप्पल के मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं और इसे हम अच्छे से ग्राइंड करके इसका पेस्ट बनाएंगे। तो मैंने इसको छान लिया है और इसका जूस निकाल लिया है। आप देख रहे हैं कि इसमें फाइबर है, तो ये फाइबर आइसक्रीम में जब मुंह में आता है तो बहुत ख़राब लगता है, इसलिए आप इसे छान ज़रूर लीजिए। अब हम क्रीम को बीट करेंगे, तो इसे हमें अच्छे से बीट करना है जब तक कि इसमें सॉफ्ट पीक नहीं आ जाए। इसे हमने अच्छे से बीट कर लिया है, आप देख रहे हैं इसमें सॉफ्ट पीक आ गया है। इसी के अंदर हम पाइनएप्पल का जूस ऐड कर देंगे, शुगर पाउडर, पाँच से छः ड्रॉप पाइनएप्पल एसेंस डालेंगे। बाकी आप थोड़ा सा अपने टेस्ट में भी डाल सकते हैं। इसी तरीके से कलरफुल, आप जितना कलर रखना चाहते हैं येलो उतना ले सकते हैं। तो ये मैं 5 से 6 ड्रॉप डाल रही हूँ। इसे हम एक बार और बीट कर लेंगे थोड़ा सा, जिससे ये अच्छे से मिक्स हो जाए। एक स्लाइस के मैंने बारीक चंक्स काट लिए थे, तो इसको हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे सॉफ्ट हैंड से और इसको हम एयर टाइट बॉक्स में इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसको हमने बॉक्स में ट्रांसफ़र कर लिया है, हल्का सा टैप कर देंगे जिससे इसमें जो एयर हो वो निकल जाएगी। और इसे हम कवर कर देते हैं, टाइटली बंद कर देंगे और इसको कम से कम 8 घंटे के लिए हम फ्रिज में रखेंगे। 8 से 10 घंटे रखने के बाद हम आइसक्रीम रखेंगे। तो यहाँ बच्चों ने थोड़ी सी खा ली है। तो आप इस पर चाहे तो चेरी लगा दें या टूटी फ्रूटी लगा दें ऊपर से, या फिर आप चाहे तो इसके पीस डाल दें। तो ये रेडी है आइसक्रीम बनके। आप इसे एंजॉय करिए। मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, गुड बाय, हैव अ गुड डे।